नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस पर। और आज की जो क्लास है वो केमिस्ट्री 12th, और जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमारे इस चैनल से आपके सामने केमिस्ट्री की दो क्लासेस आ चुकी हैं, जिनमें आपने बहुत अच्छी तरह से समझा कि व्हाट इज सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड। जब हम टाइप्स ऑफ सॉलिड में चले तो हमने क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फियस सॉलिड, जिनके बीच में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट आपके सामने सेकंड लेक्चर में किया। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि पहले हमने किया टाइप ऑफ सॉलिड, पर हम करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्यारे बच्चों, अमॉर्फियस सॉलिड इस चैप्टर में बस यही तक था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको दूसरी क्लास में कि जो अमॉर्फियस सॉलिड है वो सूडो सॉलिड्स होते हैं। तो जो आगे चैप्टर है ये तो प्यारे बच्चों कंप्लीट चैप्टर डेडिकेटेड है केवल और केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो इस चैप्टर में हम जितनी भी बात होगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये है लेक्चर नंबर 3 पहले चैप्टर से प्लस टू क्लास केमिस्ट्री द सॉलिड स्टेट। तो प्यारे बच्चों, डिस्कशन एंड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरीके का होता है। बेसिकली प्यारे बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरीके के होते हैं, आयन सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। ये डिवाइडेड किस बेस पे हुआ, यानी कि वो क्या आधार था जिसके आधार पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया चार कैटेगरीज के अंदर। प्यारे बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड को इन चार कैटेगरीज में बांटने के लिए दो चीज को बेस बनाया गया। फर्स्ट इज टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सेकेंड इज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स। बेसिकली क्या बच्चों, यही दो प्रॉपर्टी हैं जिनके आधार पर आपने सभी सॉलिड्स को इन चार कैटेगरीज में डिवाइड किया, यानी कि प्रत्येक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर अलग अलग होगा और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका नेचर भी प्यारे बच्चों अलग अलग होगा। अब वन बाय वन इन दोनों चीजों के आधार पे मैं इन चारों सॉलिड्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की इस क्लास के अंदर आप देखेंगे कि हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले इन आयनिक सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, इट मींस आयनिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड हूज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, मींस कैटायंस एंड द अनायंस। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एग्जांपल दिया था NaCl लाइक थिंग्स, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, डिफाइन आयनिक सॉलिड्स, दीज आर दो सॉलिड्स हूज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। द सेकेंड वन, कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, यानी कि जो आयंस होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको क्या नाम दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस पूरे टॉपिक के अंदर ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चारों तरह के जो क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर पार्टिकल का नेचर क्या है और उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स का नेचर क्या है। तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आयंस हैं प्यारे बच्चों, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आप इसे फिजिक्स के आने वाली क्लास में भी जानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बच्चों, दो चार्ज जो रेस्ट पे होते हैं उनके बीच में
अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आयनिक सॉलिड्स के बारे में अभी तक आप केवल दो ही चीज जान पाए हो कि आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स होते हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब हम चलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरफ, और जब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे तो कुछ अच्छे बच्चे पहले ही जान रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते होंगे। बिल्कुल सही पहचाना आपने कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोज सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये वो सॉलिड्स होते हैं जिन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्यारे बच्चों, प्लस वन क्लास में आपने ये जाना होगा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल एंड एच बॉन्डेड मॉलिक्यूल। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो अपने आप में तीन तरह के हैं, नॉन पोलर, पोलर एज वेल एज एच बॉन्डेड। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है प्यारे बच्चों वो भी अपने आप में तीन तरीके के होते होंगे। जिन मॉलिक्यूलर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता होगा तो उन्हें बोलते होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मींस प्यारे बच्चों, द सॉलिड्स हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन द सेम वे प्यारे बच्चों, जिन मॉलिक्यूलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल होते होंगे उनको पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा जाता होगा, और जिन मॉलिक्यूलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते होंगे उनको एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता होगा। इट मींस मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव थ्री टाइप्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सभी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हाउ दिस मॉलिक्यूल आइदर नॉन पोलर, पोलर और एच बॉन्डेड मॉलिक्यूल। प्लस वन क्लास में पहले बच्चों चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। चैप्टर पे तो नहीं जाऊंगा पर आपके सामने समहाउ ब्रीफिंग करने की कोशिश करूंगा इन टाइप्स के बारे में। देखिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2, लाइक Cl2, लाइक O2, लाइक N2, पोलर मॉलिक्यूलर लाइक HCl, लाइक SO2, एच बॉन्डेड मॉलिक्यूल लाइक वाटर, लाइक अमोनियम, लाइक HF। प्यारे बच्चों, अब प्लस वन क्लास के उसी फोर्थ चैप्टर में काफी डिटेल में इन चीजों को बताया गया है, चलना मेरे साथ एक बार बोलते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से अलग कैसे है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वे मॉलिक्यूल जिनके पर्टिकुलर एटम्स एक जैसे होते हैं, वन टाइप होते हैं, और उनके बीच में शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी एटम की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज बोथ दीज टू एटम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यू नो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द बाउंडेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि ये टेंडेंसी होती है बॉन्डेड एटम की शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की। तो प्यारे बच्चों, यदि दो बॉन्डेड एटम एक जैसे होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक जैसी होगी, और यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ना तो इधर और ना ही इधर जा पाएगा, जिसकी वजह से ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो प्यारे बच्चों, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या लाएगा? इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, यदि किसी बच्चे को रिमाइंड हो प्लस वन से। तो व्हाट आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल? दीज आर दोज मॉलिक्यूल
in which the bonded atom are identical in nature, all have the same electronegativity, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब नहीं होते और कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता। प्यारे बच्चों, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता होगा, कुछ बच्चों को आंसर शायद हिंट कर गया होगा। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो नेचर में एक जैसे नहीं होते, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों जो शेप के इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली सेंटर पे लाइन नहीं करता। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्यारे बच्चों ज्यादा होती है उसकी तरफ शेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है, इसी वजह से उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और जिसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं दूसरी तरफ उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और यदि ये स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनेगा प्यारे बच्चों तो ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, क्योंकि इसके दो पोल बन चुके हैं। तो HCl is a polar molecule, but H2, Cl2, O2, N2 all are non-polar molecule. प्यारे बच्चों, non-polar molecule में जरूरी नहीं है कि आपके पास identical ही atom हो। CCl4 is the best example of non-polar molecule, which has not same type of atoms. How this possible? इसके आंसर के लिए भी आपको प्रश्न क्लास के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पे एक नजर डालनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, जितनी भी सिमेट्रिकल शेप होती है, रेस्पेक्टिवली आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट, जितनी भी सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं प्यारे बच्चों, उन सिमेट्रिकल शेप्स का जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। और जितनी भी शेप्स का डायपोल मोमेंट जीरो होता है प्यारे बच्चों, वो सभी की सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ही आती है। ज्यादा डिटेल में नहीं, फिर भी जल्दी जल्दी आपको बताऊं, तीन तीन के तीन बॉन्ड पेयर, चार चार के चार बॉन्ड पेयर, पांच पांच के पांच बॉन्ड पेयर, छह छह के छह बॉन्ड पेयर, यानी कि 20, 40, 50, 60 जितनी भी शेप्स के अंदर ये कंसिडरेशन होती है वो सभी के सभी आइडेंटिकल शेप रखते हैं। आइडेंटिकल शेप ट्रायंगुलर, टेट्राहाइड्रल, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ऑक्टाहाइड्रल, स्क्वायर बायपिरामिडल, ऑल दीज आर द सिमेट्रिकल शेप। तो प्यारे बच्चों, जितनी भी सिमेट्रिकल शेप्स के मॉलिक्यूल होंगे वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ही काउंट होंगे। बात करें एच बॉन्डेड मॉलिक्यूल, प्यारे बच्चों उसी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का आखिरी टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्पेशल क्लास ऑफ बॉन्डिंग होती है जिसमें एक पोलर मॉलिक्यूल जिसका एक सिरा 100% हाइड्रोजन होता है, वो जब विद इन द सेम मॉलिक्यूल या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, स्पेशली थिंग्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये बॉन्डिंग करेगा प्यारे बच्चों तो जिसके साथ बॉन्डिंग होगी उसका साइज भी हाइड्रोजन के साथ कंपेरेबल होना चाहिए। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्यारे बच्चों केवल और केवल हाइड्रोजन तीन ही एटम के साथ करता है, आइदर ऑक्सीजन, आइदर नाइट्रोजन, आइदर फ्लोरीन। प्लस वन क्लास में मुझे आशा है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से किया होगा। इट मींस जब भी हाइड्रोजन इन तीन के साथ अटैच होगा तो उसके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल बनाने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल आइदर H2O, आइदर अमोनिया, आइदर HF हो सकते हैं। प्यारे बच्चों बताता चलूं, जो आपका आइस होता है घरों में, जो आप फ्रिज में तैयार करते हैं, उस आइस को यदि आपसे कोई पूछे कि वो किस टाइप में आता है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ही होता है। और मॉलिक्यूलर में भी एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, क्योंकि उसके अंदर H2 के मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े होते हैं एच बॉन्ड से। तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड डिटेल में समझ में आया होगा। मैं जल्दी जल्दी आपके सामने एक बार और बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड दीज आर दोस सॉलिड हूज कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स। ऑन द बिहाफ ऑफ द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल इट हैज थ्री टाइप्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल्स नेचर में नॉन पोलर होंगे। एक चीज और आपको बताता चलूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर नोबल गैसेस भी एज ए कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होती हैं। इट मींस प्यारे बच्चों यदि आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड में चले तो उन
पार्टिकल आपके गैसेस के एटम भी हो सकते हैं, नोबल गैसेस के एटम लाइक हीलियम, लाइक ऑर्गन, लाइक न्यून। तो डेफिनेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं, तो दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आइदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ नोबल गैसेस। पोलर एज यू नो नेचर द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर पोलर मॉलिक्यूल, ये फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। प्यारे बच्चों यदि बात की जाए इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि यहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात हमने की तो हमने उसे बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो तीनों टाइप है प्यारे बच्चों, उन तीनों टाइप के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन कौन से टाइप का होता है वो देखते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर, सेकेंड इज पोलर, थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे। जो आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका प्यारे बच्चों जो नाम है वो है डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। यानी कि नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है, डाइपोल का वंडर वाल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। दिस इज वन डाइपोल, इट्स पॉजिटिव नेगेटिव हाफ एंड सेकेंड मॉलिक्यूल पॉजिटिव हाफ, इनके बीच की जो अट्रैक्शन है उसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है बेटा उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहलाती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यदि बात करो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही है। दिस इज वॉटर हैज सम नेगेटिव चार्ज, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड ही हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यार बच्चों बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, ये सबसे पहले बताना था, मैं सबसे लास्ट में आपको बता रहा हूं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, और कारण यही है कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। नेम तो आपको कोई भी टीचर बता देंगे प्यारे बच्चों, पर हाउ टू एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आइदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर एटम ऑफ नोबल गैसेस, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्यारे बच्चों वो वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदर फोर्स कहलाते हैं। वीक डिस्पर्सन फोर्स या वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या वीक डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर जो इसका दूसरा नाम बेटा मैं ले रहा हूं उससे इसको समझना बड़ा आसान होगा। इस अट्रैक्शन को प्यारे बच्चों मोमेंट्री डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। इट मींस बच्चों जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मोमेंट्री डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होता है। ये है क्या प्रश्न क्लास में स्टेट ऑफ मैटर में रिएक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है बच्चों, फिर मैं आपके सामने रख रहा हूं इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या है जो लेट अस कंसीडर दिस इज वन एटम ऑफ हीलियम, ये इसके
इसके न्यूक्लियस, इसके पहले ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रोल कर रहे हैं, मैंने माना दो। जब तक ये हीलियम का एटम था, आपने सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ा होगा, क्लाउड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट क्लाउड स्ट्रक्चर, वो मैं बना रहा हूं। लाइक दिस इज द न्यूक्लियस एंड ऑल दीज आर द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज हीलियम एटम। प्यारे बच्चों, जब हीलियम के एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो कभी कभी उस रिवोल्यूशन के दौरान कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन एक सिरे पे इकट्ठे हो जाते हैं, मींस लाइक दिस। यदि क्लाउड स्ट्रक्चर में आप देखना चाहते हो तो लाइक दिस, इसको मोमेंट्री डायपोल, दिस इज परमानेंट डायपोल, दिस इज परमानेंट डायपोल, इट्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी हायर देन दिस, इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली शिफ्टिंग टुवर्ड्स इट, इट हैज समहाउ नेगेटिव चार्ज, इट हैज समहाउ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज परमानेंट डायपोल, बट दिस इज मोमेंट्री डायपोल, ये आक्षणिक डायपोल है, किसी कारणवश बना इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हुए जब किसी मोमेंट पर एक साथ इकट्ठे हुए तो वो जो सिरा था थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगा, और जो दूसरा सिरा था जहां न्यूक्लियस हल्की शिफ्ट की वो नेगेटिव सिरे की तरह बिहेव करने लगा, और ये अपने आप में एक डायपोल की तरह बिहेव करने लगा। इस डायपोल को मोमेंट्री डायपोल कहते हैं। प्यारे बच्चों, हीलियम के एक एटम में जब इस तरह का मोमेंट्री डायपोल बन जाता है तो वही हीलियम का एटम किसी दूसरे हीलियम के एटम को जो कि नॉन पोलर था उसके अंदर डायपोल को इंड्यूस कर देता है, यानी कि प्यारे बच्चों उसकी शेप भी वो डेस्टोरेटेड कर देगा, इसका नेगेटिव सिरा उसकी न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन दूर रिपेल होंगे, जिसकी वजह से इट हैज मोमेंट्री डायपोल, बट दिस मोमेंट्री डायपोल इंड्यूस डायपोल इन द नाइट्री हीलियम एटम, दैट्स द मोमेंट्री डायपोल, दिस इज द इंड्यूस्ड डायपोल, एंड दिस अट्रैक्शन इज मोमेंट्री डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। और प्यारे बच्चों, यही अट्रैक्शन लाई करती है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। आशा है मुझे आप समझ में आया होगा कि व्हाट इज मोमेंट्री डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। दिस इज मोमेंट्री डायपोल, आक्षणिक डायपोल, जब कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए किसी पर्टिकुलर सिरे पे अपने आप को जमा लेते हैं तो पर्टिकुलर सिरा थोड़ी देर के लिए नेगेटिव की तरह काम करने लगता है, और जिधर न्यूक्लियस शिफ्ट कर जाती है वो सिरा थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगता है, और ये मोमेंट्री डायपोल तैयार हो जाता है। ये मोमेंट्री डायपोल दूसरे एटम हीलियम के एटम को भी डिस्टर्ब करेगा और उसके अंदर एक इंड्यूस्ड डायपोल प्रोड्यूस कर देगा, और ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन बन जाएगी, जिसको वीक लंदन फोर्स या वीक डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर मोमेंट्री डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन होती है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके अंदर एच बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इन तीनों अट्रैक्शन में मैं बात करूं तो सबसे कमजोर अट्रैक्शन मोमेंट्री डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन होती है, उससे स्ट्रॉन्ग पोलर और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब प्यारे बच्चों, मैं तीसरे टाइप की तरफ चलता हूं, और जो तीसरा टाइप हमने आपके सामने रखा था वो था कोवेलेंट सॉलिड। फिर वही कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होते हैं और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है। दीज आर दो सॉलिड हूज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर द एटम ऑफ नॉन मेटल विच फॉर्म ए जॉइंट मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी कि एक कोवेलेंट सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, अंडरस्टैंड।
आयनिक सॉलिड आयंस, मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स और कोवेलेंट सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, यानी कि एटम्स मिलकर बना होता है और वो भी एटम कौन से नॉन मेटल जो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। डायमंड इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉलिड। डायमंड इस सॉलिड का परफेक्ट एग्जाम्पल है जिनके अंदर कार्बन के अलग अलग एटम कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। 10th क्लास में आपने इसको अच्छे तरह से किया होगा प्यारे बच्चों, ये प्लस वन में तीन लोग के लिए आपने किया होगा कि डायमंड के अंदर एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। तो ये कोवेलेंट सॉलिड है जिसके अंदर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आता है एटम्स, एंड दीज एटम्स आर कनेक्टेड विद अदर विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ग्रेफाइट डायमंड सिलिका द एग्जांपल ऑफ सॉलिड। Now, force of attraction. Force of attraction in the covalent bond is इसके forces of attraction covalent bond ही होते हैं। Last and final topic जो मैंने आपके सामने रखा था वो था metallic bonds, metallic solids. Metallic solids के तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि लेट अस कंसीडर दिस इज द सरफेस ऑफ सोडियम और सोडियम की जो सरफेस है उसके अंदर Na कुछ इस तरह से खुद को अरेंज कर रहे होंगे और अब सभी जानते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन यूज करना पसंद करता है तो वो उसका मोस्ट यूजली इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर। दिस इज पॉजिटिव and this is negative, this is positive and this is negative, this is positive and this is negative. तो किसी भी metallic solid के constituent particles are metal ion and the free electrons. This is metal ion and this is the free electron. Electrons are free to move all surface, but these are immobile. इनको candles भी बोलते हैं क्या बच्चों? So these are metal ion and this is free electron. So these two are the constituent particle of metallic solid. And the force of attraction, this is metallic bond. प्यार बच्चों मैं जल्दी रिकैप करता हूँ आपके सामने कि आपने चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमारे साथ देखा, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड द मेटेलिक सॉलिड। जहां तक बात है आयनिक सॉलिड की तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आयंस होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर मॉलिक्यूल अपने आप में तीन तरीके का होता है, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड एच बॉन्डेड मॉलिक्यूल। जिन मॉलिक्यूलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे उन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे और जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल होंगे उन्हें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे और जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल होंगे उन्हें एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा जाएगा। तीसरा जो टाइप है वो कोवेलेंट सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल एटम्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक बॉन्ड, और जो आखिरी टाइप था वो मेटालिक सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल आयन एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक बॉन्ड। जहां तक एग्जांपल की बात है तो मेटालिक सॉलिड में सभी मेटल्स सभी अलॉय आते हैं, कोवेलेंट सॉलिड में मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्रेफाइट आ सकता है, उसमें आपका डायमंड आ सकता है, उसमें आपका सिलिकॉन कार्बाइड बीटीसी आ सकता है। जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड था मैंने एग्जांपल दिया एच बॉन्डेड में, वाटर इज द बिग एग्जांपल कि जो आइस होता है वो अपने आप में एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर आपके नोबल गैसेस भी आ सकते हैं, आयनिक सॉलिड NaCl उसका एग्जांपल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड और उनके अंदर के इंट्रैक्शन फोर्स के बारे में जो आपके क्वेश्चन थे वो शायद क्लियर हुए होंगे। अब बात इनकी प्रॉपर्टीज की करते हैं, आज मैं बात करूंगा आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। आयनिक सॉलिड्स, दीज आर दो सॉलिड्स व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयंस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां तक प्रॉपर्टीज की बात है तो पहली प्रॉपर्टी, आयनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Conductors in molten state or in aqueous solution, but insulator in solid state. Fifth, are soluble in polar solvent like water. But insoluble in non-polar solvent like benzene. बेसिकली आयनिक सॉलिड की क्या है, वो जो पांच ही प्रॉपर्टी होती है। आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और ये रीजन क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग करने के लिए यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ हीट, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। रही बात सेकेंड पॉइंट की, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, कंफ्यूज मत होना, सॉलिड एक स्टेट है, कोई भी सॉलिड हमेशा सॉलिड नहीं होता, उसकी स्टेट को कन्वर्ट किया जा सकता है, आयरन को भी मेल्ट किया जा सकता है। आइस एक सॉलिड फॉर्म है वाटर की, पर यदि आइस को मैं मेल्ट कर दूं तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और लिक्विड फॉर्म भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, बट इट इज ए लिक्विड स्टेट। मैं फिर कह रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूज विद सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट। इसीलिए जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, बट आप टेम्परेचर इंक्रीज करके इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि तब ये सॉलिड नहीं रहेंगे। इनकी अरेंजमेंट तब भी आइडेंटिकल थी, बाद में भी आइडेंटिकल है, आपने टेम्परेचर बढ़ा के केवल स्टेट को चेंज किया है प्यारे बच्चों। इसीलिए कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड भी होते हैं, और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे गैसेस भी होते हैं, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूज विद सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट एट ऑल, क्योंकि स्टेट कन्वर्टेबल होती है। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं। जैसे कि आपका जो वॉटर है H2O है, वो H-mounted molecular solid है, बट रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में होता है। आप उसको फ्रिज में रखेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, तो वो सॉलिड स्टेट में जाएगा। है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, है तो वो H-mounted molecular solid, बट एट रूम टेम्परेचर इट इज लिक्विड स्टेट। इसलिए प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होना, आयनिक सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में ही मिलता है। थर्ड प्रॉपर्टी, आयनिक सॉलिड काफी हार्ड होते हैं और वे ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब उनको आप इलास्टिक नहीं होते, उनको आप खींच नहीं सकते, यदि आप फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएंगे। उनको आप मैलेबल या फिर डक्टाइल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके ऊपर आप हैमर डाल के उनको एक चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यदि आप उनको स्ट्राइक करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, इसीलिए इनको हार्ड एंड ब्रिटल बोलते हैं। That's a very important NCERT question, है प्यारे बच्चों, पेपर में भी कई बार आया है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं
वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, बट वो कंडक्टर केवल और केवल मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। यदि वो सॉलिड स्टेट में है दे आर नॉट कंडक्टर्स। एक्सप्लेन रीजन डालूंगा मैं क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन करेगा बच्चों कि व्हाई आयनिक सॉलिड आर कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। क्या है बच्चों, जब आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके जो आयंस होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। पहले दिन से आपको ये प्रॉब्लम मैं बढ़ा रहा हूं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव नहीं होते। इसलिए जब ये सॉलिड स्टेट में होगा प्यारे बच्चों तो इसके आयन मूव नहीं कर सकते, और जब तक आयन मूव नहीं करेंगे कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए प्यारे बच्चों आयनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, बट इन मोल्टन स्टेट, और जब मोल्टन स्टेट जब आप इसको मेल्ट करोगे जब ये बोन टूट जाएंगे या फिर आप इसको वाटर में डाल दोगे और वाटर के साथ इंट्रैक्शन करके ये बोन ब्रेक हो जाएंगे, उस केस में आयंस आर फ्री टू मूव सो दे बिकम कंडक्टर। तो प्यारे बच्चों व्हाई दे आर कंडक्टर इन सॉलिड मोल्टन स्टेट, बिकॉज इन मोल्टन स्टेट and in aqueous solutions ions are free to move, but in solid state ions are not free to move. Last and final, they are soluble in polar solvent. बड़ी प्यारी थ्योरी है बेटा, like dissolve like, जैसे में तैसा होता है। यदि कोई चीज पोलर होगी तो पोलर मॉलिक्यूल में घुलेगी और नॉन पोलर होगी तो नॉन पोलर। नमक पानी में घुल जाएगा कहते बच्चों, पर वही NaCl कॉमन साल्ट कैरोसिन ऑयल में डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि कैरोसिन ऑयल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट है। तो प्यारे बच्चों ये थी पांच प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड की जो आपके सामने मैंने डिस्कस की। प्यारे बच्चों इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का, जिसमें मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टी को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए ये क्लास यहीं तक। हमारी क्लास को एंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। Sorry.